हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े नोबेल टॉकीज चौरस्ते पर बनाए गए चेक पोस्ट पर लॉकडाउन की शुरुआत से ही पुलिस तैनात है, लेकिन यहां बहने वाले गटर के पानी से उन्हें मुश्किलात का सामना है। हबीब नगर SI का कहना है कि खरीब में मौजूद देरी की वजह से यहां ड्रेन के मसाइल हैं, जबकि इस सिलसिले में कई बार मुतल्लिक़ अहदेदारों को शिकायत भी की गई है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस गटर के पानी की वजह से बदबू फैल रही है और यहाँ तैनात पुलिस अहलकारों के बीमार पड़ने का खदशा है। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों से नोबेल टाकिस चौरस्ते पर बह रहे गटर के पानी की सफाई का मुतालबा किया है। पूरा बदबू आ रहा, पूरा हमारा चक्कर आ रहा है, ड्यूटी करने का मुश्किल हो जा रहा है, पूरा गलीज बदबू आ रहा है पूरा। उससे वायरस हमारे को आया तो हम लोग टिक सकते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल वाले को बोले, वहाँ के हेड ऑफिसर को बोले, कोई ये नहीं करे, आ रहे देख रहे चले आ रहे, आ रहे देख रहे चले आ रहे। तो ड्यूटी वालों को बोले तो हमारा नहीं होता, हमारी लाइन अलग है, वो अलग है, ये अलग है, उसे बात कर रहे। पूरा स्मेल आ रहा, पूरा एकदम स्मेल आ रहा, गली स्मेल आ रहा, पूरा घुड़ रहा ऊपर, ड्यूटी करना सक रहा, ठहर कर रहा, पानी उतर रहा, ठहर नहीं सक रहे हम लोग यहाँ पर ऐसा। ये हर दो दिन को तीन दिन को आ रहा है, हर दो दिन को आ रहा है। ड्यूटी है अंदर आशा गली है, वो गली में से हम लोग ठहर के नौकरी करना बोले तो नहीं हो रहा, पूरा पानी ऊपर उड़ रहा, उसकी बदबू आ रही है।